फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने रविवार की शाम कैंडल मार्च निकाल मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मैं आपकी तरफ से मतलब बताना चाहता हूँ, मैं महेश वर्मा जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ फिरोजाबाद से। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे जी के निर्देशन में ध्यान आकर्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें 11 चरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज मशाल जलूस 9वें चरण का कार्यक्रम है और 10वां चरण हमारा 1 जनवरी 2024 को है, वहाँ पर निगु वार्डन में महापंचायत है। अगर हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जैसे समान कार्य का समान वेतन और ये जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करके 18,000 वेतन, और इसके साथ साथ हमारे जो टेक्निकल वर्क जो हमारे लोग करते हैं उसका वेतन नहीं दिया जाता, उसी के तहत तो उसके अनुरूप हमारे जो SSO हैं जो पूर्व कल्याण सैनिक निगम से जो कार्य कर रहे हैं उसी काम को वो कर रहे हैं, तो उनका वेतन 24,000 है और उसी कार्य को हमारे जो समझदार साथी कर रहे हैं उसका। ये मिसाल जलूस हमारा एक 11 चरण के हिसाब से हमारा जो कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम 9वें चरण के आज मिसाल जलूस पे हैं और ये हमारी मांगे हैं, कुछ मांगों के अधीन में हमने जो मिसाल जलूस निकाल रहे हैं। 30 दिसंबर को हमारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए हमारा कार्यक्रम है 10वां, और 11 में हमारा चरण है वो हमारा इको गार्डन लखनऊ में महापंचायत है। उसके बाद अभी अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हमारे 2 तारीख को 2 जनवरी से हम लोग सब लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे जी के निर्देशन एवं दक्षिणांचल अध्यक्ष मोती सिंह जी के निर्देशन और दक्षिणांचल महामंत्री सोनू भारद्वाज जी के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस निकाला गया है। हमारे कटवत तरीके से हम 9वें चरण में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हमारी मांग है समान कार्य का समान वेतन, सुरक्षा उपकरण दिलाना और टेक्निकल वर्क का काम है उसका समान कार्य का समान वेतन देना। अगर ये मांगे पूरी नहीं तो आगे आपका क्या कदम होगा? 1 जनवरी को हमारी महापंचायत है इको गार्डन में, और महापंचायत एक नई बनती है तो हमारे 2 तारीख से अनिश्चितकालीन